हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में पगल के बारे में, जो अमित भड़ाना की अभी जो मूवी आई है, रिसेंट मूवी, उसके बारे में। एक्चुअली देखा जाए तो मैं पहले सोच रहा था ये वेब सीरीज है, लेकिन जब मैंने पढ़ा उसका टाइटल तब मुझे पता चला कि ये मूवी है। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा अमित भड़ाना को, एक सेल्फ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर होके भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। और मैं जानता हूँ अकेले के दम पे इतना सब कुछ करना कोई आम बात नहीं होती, ठीक है। सो अभी चलते हैं हमारे रिव्यू सेक्शन की तरफ, जो हमारा मेन धंधा है। सबसे पहले बात तो स्टोरी, आपको एक छोटी सी इतना बता दूं कि एक स्टोरी एक कॉलेज के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पे एक लड़का है जिसको बस अपनी पावर दिखानी है, जिसको अपना एक ऑरा क्रिएट करना है, मतलब इनडायरेक्टली गुंडा है वो, ठीक है। और उसको अपना रौब झाड़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद उसे एक लड़की पसंद आने लगती है कॉलेज की, और उसमें वो इनोसेंस देखता है, उसमें वो एक बच्चे वाली फीलिंग देखती है, मतलब वो कहीं ना कहीं जिसमें उसमें मिसिंग थी, क्योंकि उसका बचपन कोई अच्छा नहीं गुजरा था। और देखा जाए तो आपको वेब सीरीज पता चलेगा कि उसके माँ बाप भी नहीं थे, तो उसको वो सब प्यार नहीं मिला है। तो उस वो एक छोटे से प्यार के लिए वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, और उससे वो चाहता है कि वो भी उसे पसंद करे। तो इसीलिए उसे मनाने के चक्कर में या पटाने के चक्कर में जो अमित भड़ाना पूरा सिनारियो क्रिएट करता है, वो आपको इस स्टार्टिंग के 1 घंटा 20 मिनट में सब कुछ ये सब देखने को मिलेगा। 15 से 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। कॉलेज में स्टार्टिंग में आपको एक थोड़ा सा राइवली देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि अमित भड़ाना की दुश्मनी एक लड़के के साथ में है, जो भी कॉलेज के जो बोलते हैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस अमित भड़ाना को वो नहीं पसंद है, अमित भड़ाना किसी और को जिता देता है। तो ये सारी स्टोरी इस तरह से चलती रहती है। उसके बाद एक लड़की एंटर होती है, लड़की के घर पे भी सेम टर्म है, उसका जो बाप है वो दूसरा बाप है, मतलब उसके माँ ने दूसरी शादी की है, उसको भी बाप का प्यार नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की चाहती है वो पढ़े, आगे बढ़े। तो जो भी चीजें आगे होती है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। देखो मेरे को बार बार वेब सीरीज आ रहा है मुंह में, सॉरी। सो अब बात करते हैं इसके स्क्रीन प्ले के ऊपर। स्क्रीन प्ले काफी तगड़ा है। बोलना चाहूंगा स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में मेरे को ऐसा लगा कि मैं अमित भड़ाना की वीडियो देख रहा हूँ। मैं ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। उसका रीजन ये था कि मैंने अमित भड़ाना की इतनी वीडियोस देख चुका हूँ कि अब मेरे को ना वो एक ना क्या बोलते वो सेम फील आ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे को थोड़ा लगने लगा कि हाँ यार, ये 1 घंटा 40 मिनट का जो भी वीडियो बनाया उन्होंने मूवी वो है, मतलब लास्ट के जो कुछ मिनट्स थे 10 मिनट, वो भाई मतलब इधर लग गया, सच बोलता हूँ इधर लग गया, और वो बहुत बुरी तरीके से लगा है। और मैं जस्ट अभी देख के उठाऊँ और बोलना चाहूंगा कि इस मूवी में लास्ट में जो भी दिखाया गया क्लाइमैक्स वगैरह सब कुछ, वो काफी मतलब यार हार्ट टचिंग था यार मेरे लिए, मतलब बहुत अच्छा था। मैं क्लाइमैक्स रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखो, और प्लीज इसको ना पूरा देखना, क्योंकि स्टार्टिंग के मैं कुछ सीन्स बोलना चाहूंगा जहाँ पे कैरेक्टर बिल्डअप किया है, और एंड में इसका काफी अच्छे तरीके से एंड है। पार्ट 2 इसका नहीं आने वाला, ये एक ही पार्ट है और ये फाइनल पार्ट होगा, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, ये फाइनल पार्ट है, ठीक है। और कुछ कुछ सीन्स मुझे बहुत ज्यादा फनी लगे, जैसे अमित भड़ाना का जो स्टाइल था स्टार्टिंग में चलने का, ऐसा लग रहा था यार उनको कुछ मतलब जुलाब गुलाब हो गया, मतलब वो एक्शन जो कर रहे थे वो बहुत अलग अजीब था, ठीक है। और कहीं कहीं वो डांस स्टाइल कर रहे थे, वो भी मेरे को बहुत अजीब लगा, मतलब नहीं भी होता तो भी चल जाता था यार, क्योंकि अमित भड़ाना एक ब्रांड है खुद में, तो वो खुद से भी कर सकते थे। तो सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा। और वेब सीरीज देख के मैं एक चीज आप लोगों से प्लीज मैसेज में बोलना चाहूंगा कि ये वेब सीरीज में नहीं है सब कुछ, ठीक है। मैं वेब सीरीज के अंदर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं पर्सनली फील किया हूँ, मैं ऐसे स्टेट से, मैं ऐसे सिटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मैंने ऐसे चीज़ें बहुत देखी है, ठीक है। मतलब ये मारकाट और ये सब कुछ, वो गुंडागिरी मैंने बहुत पास से देखी है, ठीक है। सो मैं आप लोगों से बस एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों में ना कोई मतलब अर्थ नहीं होता, ये सब चीज़ों का, इसका ना मतलब वो कहते हैं ना बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपके पास में आप अगर इस तरह के रास्ते पे हो तो प्लीज़ बंद कर दो यार, क्योंकि दूसरों को तकलीफ दे के हम खुश कभी नहीं रह सकते, ठीक है। तो बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मत करो आप अपने लाइफ में। ये तो मूवी तो बहुत अलग हो गई, मैं मूवी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद की बात कर रहा हूँ, आप लोगों से 1-to-1 बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग अगर ऐसे रास्ते पे निकल गए हो तो प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ। मैं जानता हूँ ऐसे रास्तों पे निकल जाने के बाद में वापस आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, ठीक है। मैं ये बोल देता हूँ, नामुमकिन कभी नहीं होता है। संभल लो थोड़ा सा खुद को, लाइफ दूसरों के लिए जियो, अच्छे से जियो। आपकी लाइफ में भी बहुत लोग हो गए, अगर माँ बाप है उनके लिए जियो, बीवी बच्चे उनके लिए जियो, गर्लफ्रेंड है उनके लिए जियो, खुद के लिए जियो। मैं तो बताऊँ, खुद से प्यार करो, लेकिन प्लीज़ किसी को तकलीफ दे के ये सब चीज़ें मत करो, और बुरे रास्ते पे कभी मत चलो। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो जो भी था। और मैं ना अभी भी ना वो थोड़ा सा एक सदमे से नहीं निकला हूँ, वो आप वेब सीरीज देखने के बाद आप लोग अगर प्लीज़ ये मूवी आप देखोगे ना तो मूवी के लास्ट में आप लोग एक काम करना, आपने पूरी मूवी देख ली ना, प्लीज मेरे वीडियो पे आना और बाद में कमेंट करना कि मैंने जो बात बोली वो सही थी और आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टच हो गया हूँ, मतलब बहुत ज्यादा अलग ही फील हो रहा है मुझे। ठीक है, आप लोग भी करना कमेंट और मैं देखना चाहूंगा कितने लोग देखते हैं। मैं बोलूंगा कि जाओ देखो, प्यार करो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।